गाइस जेम्स बॉन्ड ये आपने नाम कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, पर क्या जेम्स बॉन्ड रियल में एग्जिस्ट करता भी है? और जेम्स बॉन्ड ने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से वो इतना फेमस है? क्यों हम किसी फेमस इंसान को जेम्स बॉन्ड का दर्जा देते हैं? आखिर उसने ऐसा क्या काम किया होगा? तो गाइस आपको ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है जेम्स बॉन्ड अ मिस्ट्री और अ हिस्ट्री। जब हम जेम्स बॉन्ड की बात करते हैं तो इन फ्लेमिंग का भी जिक्र होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इन फ्लेमिंग नहीं होते तो आज हमारे पास जेम्स बॉन्ड नहीं होते। इन फ्लेमिंग एक ब्रिटिश राइटर, जर्नलिस्ट और यहाँ तक कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर भी थे। ब्रिटेन के नेवल इंटेलिजेंस डिवीजन में काम करने वाले इन फ्लेमिंग दरअसल एक स्पाई थे। दूसरे विश्व युद्ध में इन फ्लेमिंग ऑपरेशन गोल्डन एग को प्लान करने में इन्वॉल्व थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इन फ्लेमिंग ने अपने नेवल इंटेलिजेंस डिवीजन और 30 असल्ट यूनिट के साथ बहुत से लोगों के स्पाई वर्क से इंस्पायर हुए थे, जिनमें से एक उनके अपने भाई पीटर थे जो एक सोल्जर थे। इसी को देखते हुए इन फ्लेमिंग ने एक ऐसा कैरेक्टर चाहा जिसमें उन सभी स्पाई और कमांडो की खूबियां हो जिसे फ्लेमिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से इंस्पायर्ड हुए थे। और दोस्तों इसी सोच से जन्म लिया जेम्स बॉन्ड ने, जो आज बहुत ही मशहूर है और स्पाई से जाना जाता है। इन फ्लेमिंग के फिक्शनल कैरेक्टर का नाम जेम्स बॉन्ड कैसे आया, क्या ये पता है? जेम्स बॉन्ड की लिखी एक बुक थी इन फ्लेमिंग के लिए, ये बुक जेम्स बॉन्ड इस नाम का सोर्स थे। इन फ्लेमिंग को जब जेम्स बॉन्ड ये नाम मिला तब उन्होंने रियल जेम्स बॉन्ड की वाइफ से ये इंसिडेंट को शेयर करते हुए बताया था कि उन्हें एक ऐसे ही नाम की तलाश थी और तभी दूसरे जेम्स बॉन्ड का जन्म हुआ, जो कि आज बहुत ही पॉपुलर नाम बन चुका है। और तो और बॉन्ड को 007 नाम से भी जाना जाता है। इन फ्लेमिंग ने स्पाई कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड में बहुत सी अपनी खूबियां भी रखी थी। फ्लेमिंग ने जेम्स बॉन्ड को लेकर 12 नॉवल और 2 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी लिखी थी। कहते हैं कि फ्लेमिंग ने ये नॉवल लिखने से पहले ही प्लान किया था कि वो एक ऐसी स्पाई स्टोरी लिखेंगे जो सभी स्पाई स्टोरीज का दी एंड करेगी। फ्लेमिंग के लिटरेचर पर बहुत सी फिल्में बनी है। बॉन्ड पर बनी सभी फिल्में उस एरा की सबसे ज्यादा देर तक चलने वाली फिल्म थी और हाई प्रॉफिट अर्न करने वाली फिल्म भी थी। इवन फ्लेमिंग के अलावा बहुत ऑथर्स ने इस कैरेक्टर पर नॉवेल लिखी है, पर इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिक्शनल कैरेक्टर के क्रिएशन फ्लेमिंग की ही आइडिया थी। जेम्स बॉन्ड की फिल्मों को बहुत सी चीजें खास बनाती है, जैसे कि फिल्म्स में यूज किया गया थीम सॉन्ग, और तो और बॉन्ड ने उसे यूज किए गए कार, गन्स और गैजेट। बॉन्ड की फिल्म्स उनके आए लड़कियों के साथ रिलेशनशिप की वजह से भी बहुत फेमस है। जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में अभी तक के 7 एक्टर ने काम किया है जो आज अपने रोल के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, जैसे सीन कैनेडी और डेनियल क्लेग। इसीलिए दोस्तों जिस किसी में भी ये स्पाई क्वालिटीज वाले गुण दिखते हैं हम उसी को जेम्स बॉन्ड कहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको जेम्स बॉन्ड की खूबियों को और भी बारीकी से देखना है तो नो टाइम टू डाई उनकी अपकमिंग मूवी है, इसे देखना मत भूलना।